हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं वोकैब एपिसोड 3। ये हमारी 1000 वर्ड की सीरीज है जिसमें हम डेली 10 वर्ड याद करते हैं एक नए जादुई तरीके से। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज के 10 वर्ड। जी, हमारा पहला वर्ड है स्कैम्पर। स्कैम्पर का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है जी, स्कैम और का मतलब होता है भाग जाना। तो इसको बोलने से हमें पता चल रहा है कि स्कैम, ठीक है, स्कैम एक वर्ड का पता चल रहा है हमें कि इसमें स्कैम एक वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसको यूज करके हम इस वर्ड को याद करेंगे। तो ठीक है, तो स्कैम का हमने यूज किया, नीरव मोदी स्कैम करके भाग गया। ठीक है जी, जो नीरव मोदी है पीएनबी घोटाला करके, पीएनबी स्कैम होता है घोटाला, पीएनबी का घोटाला, करोड़ों करोड़ों की अमाउंट में पैसा का घोटाला करके नीरव मोदी विदेश में भाग गया है। तो स्कैम्पर का मीनिंग होता है भाग जाना, और स्कैम्पर को हमने रिलेट कर दिया स्कैम से, और स्कैम को हमने किससे रिलेट किया है, नीरव मोदी से, जो कि स्कैम करके कहाँ भाग गया, दूसरी कंट्री में। ठीक है जी, तो इसको हम अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है जी, हम दूसरा वर्ड याद करते हैं, प्लेथर। प्लेथर का मतलब होता है जी, प्लेथर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत ज़्यादा हो, उसको प्लेथर हम बोलते हैं। तो प्लै थोड़ा, जैसे थोड़ा, ये जैसे बोलने से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, थोड़ा मतलब थोड़ा, तो इसका हमने लिंक बना दिया थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत ज़्यादा कमा लिया। ठीक है जी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत ज़्यादा कमा लिया। जब भी हम एग्ज़ाम में ऐसे वर्ड देखेंगे तो हमें ये लिंक ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे, क्योंकि हमको पता चलेगा कि इसमें थोड़ा है, और थोड़ा हमने क्या किया था, थोड़ा थोड़ा करके हमने बहुत ज़्यादा कमाया था, मतलब बहुत ज़्यादा कमाया था। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड करते हैं हम प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जी हाँ, इसका मतलब भी वही होता है जो प्लेथर का मतलब होता है। तो प्लेंटी का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो प्लेंटी मतलब प्लेन प्लस टी, इसको हम ऐसे याद करेंगे इस लिंक से, प्लेन प्लस टी से, कैसे, मैंने प्लेन में बहुत ज़्यादा टी पी। तो मतलब जब भी कोई नया ना बंदा जाता है प्लेन में तो बार बार चाय पीता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा चाय पीता है। तो प्लेंटी का मतलब प्लेन में टी, तो प्लेन में टी क्या की उसने, प्लेन में टी इसने बहुत ज़्यादा पी। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है बहुत ही कम, अल्प मात्रा में। ठीक है जी, स्कैंटी, तो कैंटी, अंटी जैसी आवाज़ आ रही है इसमें। ठीक है जी, तो इसको हम आंटी से याद करेंगे, स्कैंटी को हम किससे याद करेंगे, आंटी से, मतलब अंकल और आंटी के बीच प्यार बहुत कम है, तो बहुत कम है। ठीक है जी, आंटी से, स्कैंटी को हमने किससे याद किया, आंटी से, और आंटी से हमें पता चला कि अंकल और आंटी के बीच प्यार बहुत कम है, तो बहुत कम स्कैंटी का मीनिंग है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम करते हैं इम्प्रोवाइज होता है तत्काल प्रबंध करना या फिर जल्दी से प्रबंध करना। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है तत्काल प्रबंध करना या जल्दी से प्रबंध करना। ठीक है जी, इसको हम याद करते हैं इम्प्रूव प्लस वॉइस, जैसे हम बोलते हैं, तो इसमें इन दो वर्ड का आभास होता है, इन दो वर्ड का हमें फील होता है। ठीक है जी, तो इम्प्रोवाइज मतलब इम्प्रूव प्लस वॉइस, तो अपनी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए तत्काल प्रबंध करना होगा, मतलब
इम्प्रोवाइज का मतलब तत्काल प्रबंध करना, और इसको हम किससे रिलेट किया, इम्प्रूव प्लस वॉइस से, अपनी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए तत्काल प्रबंध करना होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस इंसीडियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है घातक, या फिर इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में हार्मफुल। इंसीडियस का मतलब होता है घातक, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है घातक। ठीक है सर, तो इसको हम याद करते हैं इंसीडियो, मतलब इंसीडियस। इंसीडियस मतलब इंसीडियो, इंसीडियो पे चढ़ना घातक है, मतलब बहुत ही खतरनाक हैं ये सीढ़ियाँ। अगर आप इन सीढ़ियों पर चढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं चोट लग सकती है, मतलब बहुत ही जर्जर अवस्था में है वो सीढ़ियाँ। तो इनसीडियस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल या घातक। तो इनसीडियस को हमने किससे याद किया, इन सीढ़ियों से, और इन सीढ़ियों पे चढ़ना घातक है, ये हमने एग्जांपल बना के याद किया इधर। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड याद करते हैं हम, मेलो। नेक्स्ट वर्ड हमारा मेलो। मेलो का मतलब होता है मिलनसार, जो व्यक्ति मिलनसार हो उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में फ्रेंडली। ठीक है जी, जो व्यक्ति फ्रेंडली हो उसको हम मिलनसार बोलते हैं। तो मेलो से हम डायरेक्ट हम लिंक बनाएंगे, मेलो से बनाएंगे हम मिलो, मतलब किससे मिलो, उनसे मिलो जो मिलनसार हो। किससे मिलो, उनसे मिलो जो मिलनसार हो। ठीक है जी, तो हम अच्छे से याद कर सकते हैं इस वर्ड को, मेलो मतलब मिलनसार, और मेलो मतलब किनसे मिलो, उनसे मिलो जो मिलनसार हो। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं हम लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब होता है फ़ायदेमंद, मतलब कोई वस्तु किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ का फ़ायदा हो रहा है उसको, उसको फ़ायदेमंद बोलते हैं जी। ठीक है जी, लुक्रेटिव मतलब यह फ़ायदेमंद। ठीक है जी, तो लुक प्लस में रेट, कई बार क्या होता है कि हमें वस्तुओं का रेट देखने से भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि कई बार वस्तुएं बहुत महंगे दाम की होती हैं और कई बार वस्तुएं बहुत कम दाम की होती हैं। ठीक है जी, तो हमें रेट देखने से भी फ़ायदा हो जाता है। लुक रेट मतलब कभी कभी, कभी कभी रेट देखना फ़ायदेमंद हो सकता होता है, फ़ायदेमंद होता है या फिर फ़ायदेमंद हो सकता है। तो लुक रेटिव मतलब कभी कभी रेट देखना, लुक रेटिव मतलब कभी कभी रेट देखना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड याद करते हैं हम इंस्पिड। इंस्पिड भी बहुत अच्छा वर्ड है। इंस्पिड का मतलब होता है स्वादहीन, स्वादहीन बोलते हैं, या फिर इसको नीरस भी बोलते हैं, या फिर इसको टेस्टलेस भी बोलते हैं। ठीक है जी, जिसमें कोई टेस्ट नहीं हो उसको टेस्ट, हाँ जी, जिसमें कोई टेस्ट नहीं हो स्वादहीन भी बोलते हैं उसको। और ठीक है जी, तो इसकी मतलब इसका, इसको हम कैसे याद करेंगे, इन स्पीड मतलब इतनी स्पीड, मतलब इतनी स्पीड से पियोगे तो स्वादहीन लगेगी, मतलब दारू आप इतनी स्पीड से पियोगे तो स्वादहीन ही लगेगी, आराम आराम से पैक बना के पियो, ठीक है, तो बहुत टेस्टी लगेगी। ठीक है जी, इतनी स्पीड। तो लास्ट है बट नॉट लिस्ट कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, फ्रैंक मतलब ओपनली, मतलब आउट स्पोकन भी बोलते हैं इसको, आउट स्पोकन भी बोलते हैं हम इसको। तो कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक या, ठीक है, या ओपनली या आउट स्पोकन। तो इसको हम किससे याद करें, कैंडिड मतलब कैंडी से, कैंडी जो लड़की है, कैंडी जो लड़की है वो बहुत ही फ्रैंक है, कैंडी जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक है। ठीक है जी, अगली सीरीज में हम करते हैं वोकैब एपिसोड 4, एक नई सीरीज के साथ, नए वर्ड के साथ मिलते हैं। थैंक यू।